कोरोना वायरस तो निजात पाउण लई हर संभव कोशिश की जा रही है ते अजिहे च हर गली मुहल्ले नूं सैनेटाइज भी किया जा रहा है पर यह सैनेटाइज लोगों की जान लई खतरा बनता भी दिखाई दे रहा है। जिला कपूरथला के पिंड मुरार निवासी एक नाबालिग बच्चे के शरीर से सैनेटाइजर पैण कारण बच्चा काफ़ी झुलस गया जिसनों इलाज लई जलंधर के एक हस्पताल ले जाया गया। घटना संबंधी परिवारक मैंबर मुताबिक बच्चे के पिता संजीव कुमार ओह हमीरा स्थित एक शराब फैक्टरी विच मजदूर है अते बीते दिन इस फैक्टरी वालों घर अंदर छिड़का करन लई सैनेटाइजर वंडिया गया पर टाइम ना मिलन कारण उसने सैनेटाइजर घर च ही संभाल के रख लिया जिस तों बाद उन्हां दा 9 साला बच्चा आकाशदीप सिंह जो सैनेटाइजर की कैन नाल खेड रहा सी ते अचानक कैन फट गई जिस कारण उसके शरीर उपर पै गई अते उसका शरीर काफ़ी झुलस गया। घटना उपरंत बच्चे नूं नेड़ले पिंड दे एक हस्पताल ले जाया गया पर बच्चे की हालत गंभीर होण कारण उसनूं जलंधर रैफर कर दिता गया जिथे वह जेरे इलाज है। इस दे नाल ही परिवार का दोष है कि किसी भी हस्पताल वालों बच्चे नूं तुरंत दाखिल नहीं किया गया जिस कारण उन्हां नूं काफ़ी खजल खुआर भी होना पिया। दूजे पासे इस घटना संबंधी सुभानपुर पुलिस वालों बच्चे के पिता के बयान लेके अति तफ्तीश भी जारी है। इस दे नाल ही इस संबंधी जगत जीत इंडस्ट्रीज डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन के आगू ने पीड़ित परिवार नाल हमदर्दी का प्रगटावा करदियां प्रशासन पासों पीड़ित बच्चे का सरकारी तौर पर इलाज करन दी मांग कीती है। भाजी की मामला है जिहड़ा है? इह जी जगजीत इंडस्ट्री लिमिटेड हमीरा फैक्टरी है। पिछले दिन जी उन्हें वालों सैनिटाइजर जो एक वंडे गया पिंड लोकल पिंड जिद पिंड मनार के भी जो वंडिया गया अज तकरीबन 5:30 बजे के करीब एक बच्चा जोड़ा आ 2 लीटर जी सैनिटाइजर की कैन जी इन्हों वालों वंडी गई है वो ना हिलजुल कर रहा जो ढक्कन खोलिया तो अचानक ब्लास्ट हो गया जिन्हें अग का रूप ले लिया जिदा करके वह बच्चा जोड़ा 9 साल का आकाश का नाम है बच्चे का 9 साल वो उम्र आ तकरीबन 80% पूरा जोड़ा वो झुलस चुका आ जिस तो बाद फस्ट ट्रीटमेंट जी बराड़ होस्पिटल दयालपुर जी दी गई उस तो बाद ईएसआई रैफर किया गया और ईएसआई ने गांह जोड़ा घट्टो घट 3 से 4 होस्पिटलों के रैफर किया पर जलंधर के किसी भी होस्पिटल ने उस बच्चे जोड़ा एडमिट जोड़ा नहीं किया उस तो बाद फिर हूँ इस वे जो दयालपुर फिर वापस लिया गया है हूँ इस वे जोड़ा कपूरथले जो होस्पिटल जो भेजा गया सरकारी सिविल होस्पिटल जितने होस्पिटल है की कहते होस्पिटल बारे तकरीबन जिहड़े भी होस्पिटल दे विच गए सब तो पहला तो डाक्टरां दा एक बिहेवियर जिहड़ा सी वो बड़ा निंदनयोग आ क्योंकि बहुत गलत जिहड़ा रूटली जिहड़ा बोलिया गया उन्हां नूं सब तो पहले ईएसआई जदों लै के गए 1 घंटा वेट कराई गई उस बच्चे नूं चैक करन वास्ते उस तो बाद जिथे जिथे भी लै गए सैक्रेड हार्ट लै के गए कहिंदे साडे कोल सिर्फ तो सिर्फ जिहड़ा करोना दे जिहड़े पेशेंट आ उह आ फिर उस तो बाद एनएसएच होस्पिटल भेजा गया उस तो बाद फिर 1-2 जिहड़े होस्पिटलां च भेजा गया जिथे कोई भी जिहड़ी बच्चे दी सार नहीं लई गई अक के परिवार को जो मजबूर उन्होंने वापस जो अपने इतने दयालपुर लिया पाया। अच्छा जो बच्चा मतलब अपने पंजाब का कि दस्यो ये परदेसी आदमी है अभी लम्बे सिर तो जोड़े आ लम्बे समय तो जोड़ा आ पिंड मनार के रह रहे और इन्हों के फादर साहब जोड़े आ डेली वेज के जी जगजीत इंडस्ट्री लिमिटेड हमीरा फैक्ट्री के जॉब कर रहे तो वो हमीरा फैक्ट्री जो होस्पिटल उन्होंने कोई हमीरा फैक्ट्री का होस्पिटल ईएसआई उत्थे भेजा गया से उन्होंने गांह 2-4 होस्पिटलों के रैफर किया पर कोई भी जी बच्चे ट्रीटमेंट नहीं दी गई। अच्छा हूँ कितना समा हो चुका है इस टाइम तकरीबन तो हिसाब ला लो जी हूँ मेरे ख्याल 10 का टाइम हो चुका है तकरीबन जे 5 घंटे हो चले हैं बच्चे जी खजल खुआरी। ब्यूरो रिपोर्ट विजन पंजाब टीवी। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।